खुर्रम, जिस तरह की बॉलिंग हुई है, आप समझते हैं वसीम जूनियर ने बेहतर बॉलिंग की, जमान खान ने बेहतर बॉलिंग की, या फिर हमारी बॉलिंग भी दबाव का शिकार हो गई मिचेल और उसके सामने फिलिप्स के? नहीं, देखें, बेहतर बॉलिंग उसको कहा जाता है जहां आप मैच में अपनी टीम को लेके आ गए। यहां मैच में कहीं भी नहीं लाए आप, बल्कि आप शाहीन की उन तीन आउट करने के बाद मैच में आ गए थे। हाँ। मगर दूसरे एंड से कहीं भी सपोर्ट नहीं मिली। सही। पहली बात तो यह है के नए बॉल से लग रहा पाकिस्तान में ना स्विंग का कोई फैशन खत्म हो गया, मतलब स्विंग बॉल होती ही नहीं है ना, तेज बॉल करनी है। आज 150 से बॉलिंग नई गेंद कराई मैं यही, वो जबकि जमान मादरत क्या नया बॉल नहीं करता और हारिस भी नया नहीं, हारिस भी नहीं करते, तो अब ये खुद फंसे में है कि अब बीच में हमें एक बॉलर चाहिए। नसीम क्या अनफिट हुआ तो इनका सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। अब हारिस बीच में बॉल करता है, अब ऊपर से उसको मार पड़ती है, अब वो आया बीच में ऑलरेडी वो एक्सपोज हुआ है, क्योंकि उनकी दो वेपन थे, एक सिलोवन एक यॉर्कर, और वो अब वो रीड होना शुरू हो गए। अब अक्सरियत में लीग्स में देखें, अगर आप इन्होंने लास्ट टाइम अमेरिका में टिम डेविड ने इन्हें एक ओवर में 5 छक्के मारे। अच्छा, मतलब इनका अब रेपो नीचे जा रही है। तो मेहनत करें थोड़ी। देखें, हर चीज ना एक टाइम तक सस्टेन करती है, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, या नहीं करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। अब आपको ना लोग रीड करना शुरू होंगे, फिर आप पे क्रिकेट का लोड इतना है कि आपकी अपनी वैल्यू नीचे जा रही है। आप फटीग में खेलते हैं जबरदस्ती, जब आप बॉडी में 100% नहीं होगा तो उसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा सर। बेंच पे बैठने से कोई सर आपके वैल्यू डी वैल्यू नहीं हो जाएंगे। अगर आप अच्छे हैं ना तो आप वापसी अच्छा आएंगे। अब बहुत उम्मीद है कि नसीम शाह, और मुझे बहुत यकीन है इंशाल्लाह हसनैन, जो जिस तरह वो मेहनत कर रहा है वो आया ना सर, बहुत से बॉलरों को आगे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपके पास बॉलर मौजूद हैं, मगर जगन अभी जमान आया ना, उसकी एक सीरीज अच्छी जाने दें, उसको अभी प्रॉपर कॉन्फिडेंस और पड़ेगा, कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ये अफगान मचा हुआ है, बॉलर नहीं है, बॉलर भाई क्यों बॉलर नहीं है, 6 बॉलर मैं आपको ऐसे गिना दूंगा, सानुल्ला वो फिट होने वाला है, हसनैन वो फिट होने वाला है, नसीम शाह वो फिट होने वाला है, 3 आपके टीम के अंदर है, धानी को नहीं खिलाते, शाहनवाज धानी। अब ये देखे ना, मतलब 9-10 बॉलर है, किस मुल्क में 10 बॉलर होते हैं जो 140 से ऊपर होते हैं। ये हमारे ऑडियो वालों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कान में ऑडियो नहीं दें, अब उन्होंने कॉल डायरेक्ट अंदर दे दी, तो पहले प्लीज आप मुझे कॉल डायरेक्ट ना दें, आप स्पीकर पे दीजिएगा जी। तो कहने का मकसद ये है सर, आपके पास लाइन में बॉलर है, आपको अपॉर्चुनिटी सिलेक्टेड सीरीज में देना है, आपने वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं ना, आप इनको थोड़ा, जिस तरह मैंने रिजवान के लिए बाबर के लिए बोला है, इनसे बात करें, इनको बोले आपको हम रेस्ट देना चाह रहे हैं, मगर हम रिप्लेसमेंट में ये चीजें करना चाह रहे हैं, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। इस तरह हारिस से भी बात करें, शाहीन भी रिहैब के बाद आया, शाहीन चारों मैच मुसलसल खेला, यही मैं बोला, और मेरे को आप ही ने मेरी नॉलेज में इजाफा किया था कि ये वाहिद बॉलर है जिसने पूरे साल में सबसे ज्यादा बॉलिंग की है, तो आप एक बंदा रिहैब से उठ के आया, एक साल भी नहीं हुआ उस पे इतना बॉलिंग लोड डलेगा, फिर प्रैक्टिस की बॉलिंग अलग होती है, ये तो मैच की बता रहे हैं ना, तो अल्लाह ना करे अगर वर्ल्ड कप से पहले कोई मिसहैप हो गया फिर क्या होगा आपके, तो यही मेरे कहने का मकसद है सर, आपको थोड़ा सा स्पिनर क्यों नहीं है खुर्रम सर, हैं लाएंगे फिर वही वाली बात, आप अगर अच्छे मेहरान मुमताज की आप बात करते हैं, मैं सर बोलूंगा, मैं तो उसका बोलूंगा क्योंकि वो परफॉर्मर है। अब होना ना होना अलग चक्कर है, और नवाज से अभी नहीं हो रहा, उसको डोमेस्टिक का बोला आप खेलो भाई, आप लीग्स खेलो, डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्म करके तो टेस्ट के लिए भेज दिया था इन्होंने जब वो अनफिट हो गया था नुमान अली सर, आपको मैं बता दूं, पिंडी से और फेडरल से, जब फेडरल जब वो वाला प्रोविजन सिस्टम था उससे वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलते थे, अच्छा फर्स्ट क्लास में बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेलते थे, बाद में वो बॉलिंग ऑलराउंडर सही है कि आपको मिलेगी तो हम बॉलिंग दे देंगे आप पे 7 नंबर 6 नंबर आप बैटिंग करेंगे सही, तो आप उसको टेस्ट मैच में भेज रहे हैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, नोमान था वहां पे, साजिद है, अबरार चलो अनफिट हो गया, मगर आपने चले भेजा भी, पहली बार तो खिलाया नहीं था, अगर वो गया तो वो क्यों गया, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद अंसारी बोल रहा हूँ हैदराबाद से सर। जी अंसारी साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ भाई जान, आपकी टीम जो है ना ये अंडर 19 की टीम रह गई है सिर्फ। कैसे भाई, जो है ना 24 साल के लड़के हैं, 27 साल के लड़के हैं, कहाँ से अंडर 19 टीम रह गई है भाई? ओ भाई वो इंटरनेशनल टीम है और पाकिस्तान की टीम जो है ना अंडर 19 की टीम है। अच्छा, अच्छा जिस तरह इन्होंने आजम को मौका दिया है तो यार ये खुर्रम को भी मौका दे दें, माशाल्लाह शर्जील को भी मौका दे दें कि ये भी अपने शूटर सही कर लेंगे दोनों। अच्छा ठीक है, आप तो शर्जील की इसलिए बात करें कि लतीफाबाद में आप रहते हैं शायद उसके घर के पास। नहीं मैं लगता तो हैदराबाद पे रहता हूँ मैं। अच्छा चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की अंसारी साहब थे हैदराबाद से। देखो कैसे लोग अपनी राय कर सर, मैंने उस दिन बोला सर आप वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं या अफगानिस्तान से सीरीज आ रहे हैं, मैच मैच होता है, पाकिस्तान टीम जीतती है और हारती है,
हर पब्लिक का ये गुस्सा होता है, जो मोहब्बत में जब आप जीतते हैं तो ऐसी सेलिब्रेट भी करते हैं, तो गुस्से में जाहिर से रिएक्शन तो आएगा। मगर बात सारी होती है सर आपकी टीम सिलेक्शन, अब फिर प्लेइंग 11 की सिलेक्शन वो गलत थी। हाँ, दोनों तीनों मैचों में, चारों मैचों में बोलता हूँ प्लेइंग 11 गलत सिलेक्ट हुई है। फिर यहाँ से जो गए ना वो भी मेरे एक आध प्लेयर की गुंजाइश थी, और ये कोई मेरे को इसमें कबाहत नहीं बोलते हुए, आपको नवाज को नहीं भेजना था, आपको मेहरान को भेज, जब आप तीन लड़के डिजर्विंग भेज रहे हैं तो चौथा भी भेज देते। आपने जब खिलानी उसको एक मैच है, अब नवाज आप क्या समझ रहे हैं, आप खेलेगा अगला? उनका काम बॉलिंग में मिडिल में आके बॉलिंग करना है, उनका काम 8 गेंदों पे 20 रन नहीं है। तो आजम खेलेगा अब सर? खिलाना चाहिए, मैं बोलता 5 मैच खिलाना चाहिए। भाई नहीं हो रहा ना, आप 5 मैच खिलाते, बोलते भाई हमने 5 मैच दिए आपको, अब उसका दोबारा चांस बना दिया इन्होंने। अब क्या होता है, अब 3 मैच खिलाया, भाई नहीं हुआ, सालों के बाद होता है 3 मैच गंदे हो गए, रीजन मिल गया। आप पूरी सीरीज दे ना, 3 साल में वो 10 मैच खेले, 9 मैच। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप इनकी ले लें, साहिबजादा फरहान की ले लें, हसीबुल्ला के, अल्लाह करे ये लोग लॉन्ग टर्म खेले, तो मगर अपॉर्चुनिटी उनको कॉन्फिडेंस के साथ देना लड़कों को। ये उंगली कटाने वाली बात हो रही है कि जी आप खेल लें 7 नंबर 6 नंबर खेल लें, वो आ कहां से रहा, ओपनर से आ रहा है वो।